हेलो फ्रेंड्स, मैं नंद विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच मऊ जंक्शन का फुल अपडेट लेकर के आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मुख्य भवन के सामने कुछ जगहों पर ढलाई का कार्य करना स्टार्ट कर दिया गया है और कुछ जगहों पर सीमेंट के ईंट बिछाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर फॉल्सलिंग का कार्य जो है नए पूरे लास्ट छोर तक पहुंचने वाला है और फॉल्सलिंग का कार्य अभी जारी है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ढलाई का कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है और ढांचा भी तैयार कर दिया गया है नए फुट ओवर ब्रिज के लिए। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बैक साइड में जो है नए प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो लेट ना करते हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मऊ जंक्शन के मुख्य भवन के सामने जहां पर रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा था, वहीं पर जो है ईंट ऊंट बिछाने का कार्य जो है अभी चल रहा है और अभी जो कार्य है मुख्य भवन तक जो है पहुंच चुका है। ये आप देख सकते हैं ईंट ऊंट लगा दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। इसके साथ ही आप देख सकते हैं डिवाइडर वाइडर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और किनारे किनारे आप देख सकते हैं पेड़ पौधे शोपीस में लगाए गए हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं लाइटें भी लगाई गई हैं जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखने में। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या कार्य हो चुके हैं और क्या क्या कार्य अभी चल रहे हैं चलकर आपको दिखाते हैं। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। बाकी आप देख सकते हैं उस साइड भी जो है ईंट ऊंट लगा दिया गया है। तो अभी जो कार्य है ईंट लगाने का भी कार्य जो है जारी है। इसके साथ ही मुख्य भवन के सामने जो है ढलाई का कार्य चल रहा है, चलकर आपको दिखाते हैं किस प्रकार ढलाई का कार्य अभी किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किनारे किनारे जो दीवारें बनाई गई थी उन पर जो है अभी पेंटिंग का कार्य अभी चल रहा है, तो बहुत ही जल्द इन पर पेंटिंग का कार्य पूरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ईंट लगाने का कार्य यहां तक पहुंच चुका है और सामने आप देख सकते हैं मऊ जंक्शन का मुख्य भवन। तो फ्रेंड्स, इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्य भवन के सामने हम पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं मुख्य भवन के सामने जो है अभी ढलाई का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो है ढलाई का कार्य हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ढलाई का कार्य। इसके साथ ही आगे जो है अभी ढलाई का कार्य अभी चल रहा है और सामने आप मुख्य भवन देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। बाकी आप देख सकते हैं अभी धवलपुर के पत्थर के मार्बल लगाने का कार्य अभी चल रहा है और लगभग 100 में से 70% कार्य जो है मऊ जंक्शन का कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी भीड़ भी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मुख्य भवन के सामने इधर जो है ईंट बिछाए जा रहे हैं, इधर जो है ईंट बिछाए जा रहे हैं और इसके जस्ट आगे की साइड में यहां पर ढलाई का कार्य जो है किया जा रहा है और आप देख सकते हैं ढलाई का कार्य यहाँ तक कम्प्लीट हो चुका है। बाकी आप देख सकते हैं कई सारे मटेरियल रखे हुए हैं तो ढलाई का कार्य अभी जारी है। तो बहुत ही जल्द आपको मुख्य भवन के सामने ढलाई का कार्य देखने को मिल सकता है। सामने आप देख सकते हैं मऊ जंक्शन के शेड के इस साइड में आप देख सकते हैं नए नए टिन शेडों का यहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा है और सामने आप देख सकते हैं नया डिस्प्ले बोर्ड लग चुका है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, जहां पर यात्रियों को आसानी से डिस्प्ले बोर्ड पर ट्रेनों की सूचनाएं आसानी से मिल सकती हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं धवलपुर के पत्थर जो है लगाए गए हैं मऊ जंक्शन के दीवारों पर और ऊपर आप देख सकते हैं इधर जो है मार्बल बिछाया गया है
तो इधर भी हो सकता है मार्बल को बिछाने का कार्य चल सकता है। अब हम चलते हैं अंदर, अंदर चलकर आपको दिखाते हैं क्या क्या कार्य अभी चल रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया फ्रेम बनाया गया है, जहाँ पर उद्घाटन हुआ था तो उसी से संबंधित एक बोर्ड बनाया गया है। सामने आपको दिख रहा होगा टिकट काउंटर, और इधर जो है पूछताछ काउंटर बनाया गया है, और आप देख सकते हैं कई सारे चित्र भी बनाए गए हैं मऊ जंक्शन पर। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे टाइल्स नए नए यहाँ पर रखे गए हैं, इनको बिछाया जाएगा बहुत ही जल्द। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम प्लेटफार्म नंबर 1 के लास्ट छोर तक पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 के लास्ट छोर तक जो है ढलाई का कार्य इतना तक कम्प्लीट हो चुका है। चलकर आपको दिखाते हैं किस प्रकार फॉल्स सीलिंग का कार्य किया जा रहा है और कहां तक पहुंच चुका है फॉल्स सीलिंग का कार्य। बाकी आप सामने देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पर लास्ट छोर तक जो है फॉल्स सीलिंग का कार्य पहुंचने वाला है। देख सकते हैं फॉल्स सीलिंग का कार्य यहां तक जो है कंप्लीट हो चुका है, और अभी कार्य जो है जारी है फॉल्स सीलिंग का। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मार्बल जो है यहाँ तक बिछा दिए गए हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पर, और आप देख सकते हैं फॉल्स सीलिंग का कार्य यहाँ तक जो है कंप्लीट हो चुका है। और अभी फुट ओवर ब्रिज पर रिपेयरिंग का कार्य अभी जारी है। सामने आप प्लेटफार्म नंबर 1 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया शौचालय भी बना दिया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पर फॉल्स सीलिंग का कार्य पूर्ण होने से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है प्लेटफार्म नंबर 1, इसकी शोभा काफ़ी बढ़ गई है। बाकी आप देख सकते हैं मार्बल लगाने का कार्य यहां तक जो है कंप्लीट हो चुका है, और आगे कार्य अभी मार्बल लगाने का कार्य अभी जारी है। और आप सामने देख सकते हैं यहां प्लेटफार्म नंबर 1 पर गड्ढे की खुदाई की जा रही है। ये जो आपको पाइपें दिख रही हैं, इन पाइपों को जो है गड्ढे में लगाया जाएगा, और आगे आप देख सकते हैं खुदाई का कार्य अभी चल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पर नए सिरे से यहां पर बनाने का कार्य अभी चल रहा है, और आगे आप देख सकते हैं अभी इनको तोड़ा जा रहा है रेलों को। तो देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 पर ये जितने भी हैं आपको इनको तोड़ा जा रहा है और नए सिरे से इनको बनाया जाएगा। देख सकते हैं पूरे यहाँ तक जो है तोड़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पर, और आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पर यहाँ पर जो है पहले से ढलाई का कार्य हुआ था, और जस्ट यहाँ पर जो है ढलाई का कार्य नहीं हुआ था 2 हफ्ता पहले। देख सकते हैं यहाँ पर ढलाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है, और काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। धीरे धीरे जो है कार्य अभी चल रहा है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं आगे जो है सीके उके बिछाई गई हैं प्लेटफार्म नंबर 2 पर। चलकर दिखाते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। बाकी आप इधर देख सकते हैं इधर जो है सीके उकी बिछाई गई हैं, तो इधर भी अभी कार्य जो है जारी है ढलाई का, तो बहुत ही जल्द यहां पर भी ढलाई देखने को मिल सकता है। अब हम चल रहे हैं फुट ओवर ब्रिज पर, फुट ओवर ब्रिज पर कार्य कहाँ तक हो चुका है और क्या क्या कार्य भी चल रहा, चलकर आपको दिखाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ तक जो है ढलाई हो चुका है। और आप देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 3 पर लिच्छवी एक्सप्रेस आ चुकी है। बाकी आप सामने देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज के पास हम पहुंचने वाले हैं, चलकर आपको दिखाते हैं। तो हम फुट ओवर ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं टाइल्स वाइज की छतों पर यहां तक लगा दिए गए हैं, और सामने आप देख सकते हैं लिफ्ट, लिफ्ट जो है रनिंग में है,
इसके साथ ही आप देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज पर मार्बल रोल पर लगा दिया गया है, काफी खूबसूरत भी लग रहा है देखने में। देख सकते हैं मार्बल लग गया है। और सामने एस्केलेटर भी है, चाहे तो आप यहाँ से निकास द्वार भी बनाया गया है, चाहे तो आप बाहर यहाँ से जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं अभी एस्केलेटर जो है चल रहा है, देख सकते हैं। ऊपर से आप मऊ जंक्शन का व्यू देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक ये है और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर दो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर दो के जहां पर लिफ्ट बनाया गया था, जस्ट उसके यहां पर पीछे जो है यहां पर नया फुट ओवर ब्रिज का ढांचा उचा तैयार कर दिया गया है। देख सकते हैं नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा यहां पर और इनका साचा उचा यहां पर बनाया जा रहा है। देख सकते हैं कई सारे जो है सीके उके यहाँ पर लगाई गई हैं जिससे पिलर जो है खड़ा किया जा सके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर दो पर भी ढलाई का कार्य अभी जारी है। देख सकते हैं चारों तरफ जो है सीके को बिछाया गया है, देख सकते हैं छड़ के सीके को हर जगह पर बिछाया गया है और एक पटरी पर आप देख सकते हैं इधर जो है ढलाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है, कार्य अभी जारी है ढलाई का। और आगे आप देख सकते हैं कई सारे सीके वहां पर रखी गई हैं। तो आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि मऊ जंक्शन का रीडेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, दिन प्रतिदिन रोज़ नए नए कार्य आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स अमृत भारत योजना के अंतर्गत मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन का काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। बाकी आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर तीन से हटकर आप देख सकते हैं यहाँ पर नया प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य अभी जारी है। देख सकते हैं किनारे किनारे ईंट से जो है बनाई जा रही हैं और आप देख सकते हैं इन पे यहाँ पर खुदाई भी किया गया है। तो बहुत ही जल्द नया प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा क्योंकि कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर किया जा रहा है नया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। और आप आगे देख सकते हैं कार्य जो है अभी जारी है, आगे आप देख सकते हैं क्रेन के माध्यम से जो है नए प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य अभी किया जा रहा है। चलकर आपको दिखाते हैं किस प्रकार कार्य जो है किए जा रहे हैं। तो देख सकते हैं किनारे किनारे कई सारे ईंट जो है रखे गए हैं और बालू सीमेंट जो है गिरा भी दिए गए हैं। तो देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कार्य कितनी तेज़ी से किया जा रहा है मऊ जंक्शन। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। बाकी आप सामने देख सकते हैं क्रेन के माध्यम से जो है बालू को यहां पर गिराया जा रहा है, लाल बालू। और आगे आप देख सकते हैं दीवारों को खड़ा किया जा रहा है, चलकर आपको दिखाते हैं नजदीक से। इधर आप देख सकते हैं दीवार वाल खड़ा किया जा रहा है नए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए।
इधर आप देख सकते हैं कई सारे मटेरियल यहाँ पर गिराए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नए प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर अनेक यहाँ पर गड्ढे किए गए हैं, देख सकते हैं व्यू आप।